बैक टू माय चैनल आराधना त्रिपाठी ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो फिर से मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि आज है मेरा फास्ट और आज है संतान सप्तमी। मतलब आज के दिन ना हम वो चांदी का चूड़ा पहनते हैं और ये कलाई में ये धागा बांधते हैं, तो ये तो हर पूजा में होता है, पर आज के दिन संतान मतलब अपने बच्चों के लिए फास्ट रखा जाता है और उसमें क्या गुड़ की जो पूड़ियाँ होती है ना, तो उसे खाया जाता है। मतलब आटे में गुड़ मिला के, तो बस पूड़ी और फ्रूट दूध, बस इतना खाते हैं और कुछ नहीं। हमारे यहाँ ऐसा होता है और बहुत ही अच्छे से शंकर जी की पूजा की जाती है। 7 प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं, 7 हल्दी की ना, हल्दी जो होती है उसकी गाठियाँ होती है छोटी छोटी, तो हल्दी चढ़ाई जाती है। 7 सुपाड़ियाँ चढ़ाई जाती है, 7 ठोपान, मतलब ऐसा करके, तो इसीलिए इसे बोलते हैं संतान सप्तमी। सप्तमी मतलब 7 होता है ना, तो हर चीज़ 7-7 की जाती है इसमें। और इसमें मतलब चांदी का जो होता है चूड़ा पहना जाता है और एक साल उसे कंटिन्यू उस चूड़े को पहने रहते हैं, उसे बीच में कभी उतारते नहीं है, ऐसा होता है। तो ये सब है, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और मैं रेडी हो गई। मैंने पहनी है नेट की साड़ी, ये देखिए, और फुल लुक मैं आपको दिखाती हूँ, फुल लुक मेरा क्या है। और ये मैंने साड़ी के सेट की चूड़ियाँ पहन रखी है, सिंपल सा है, ज़्यादा मेकअप भी मैंने नहीं किया, नॉर्मल सा मेकअप है। वैसे भी आपको पता है मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, तो ऐसा है मेरा मेकअप सब कुछ। तो चलिए फिर चलते हैं पूजा करने। और इसमें क्या होता है, मतलब लेट पूजा होती है, तो हम करेंगे 1-2 बजे तक हम पूजा करेंगे। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद सिर्फ इसमें एक बार खाया जाता है, तो पूजा करने के बाद तो चाय पानी पियेंगे, फिर उसके बाद खाएंगे, ऐसा होता है। और सिर्फ एक बार, चाहे जब भी खा लो, पर हाँ शाम के पहले पहले खाना होता है। तो ये सब है, और बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा लुक है मेरा, बट ये साड़ी आज मैंने फर्स्ट बार वेयर की है। आज है ये नेट की साड़ी, बहुत ही अच्छा इसका नेट है, इसका हॉल भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था साड़ी का। तो चलिए अब चलते हैं और जल्दी से पूजा पाठ करते हैं, वो भी आपके साथ दिखाते हैं, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, और हाँ ये तो जरूर बताइएगा कि कौन कौन संतान सप्तमी का व्रत रखता है, किसके यहाँ किसकी मम्मी रखती हैं, खुद कौन कौन रखता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको पता है ये मेरा दूसरा संतान सप्तमी है, क्योंकि जब हमारे बच्चे हो जाते हैं ना, बेटा के लिए खासकर ये रखा जाता है, तो ये मेरा दूसरा संतान सप्तमी का फास्ट है। तो चलिए अब चलते हैं पूजा करने। ओके, फिर वहाँ मिलते हैं। आर्या, आप भी खाओगे ना? खाएगा तो मैं साड़ी पहने। क्या साड़ी पहने तो मैं नहीं खाओगी? क्यों? सुने कितना बताओ। तो हम बैठ गए अपनी जगह में और यहाँ पे शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी की होगी पूजा। और यहाँ पे हमारे पूजा करते चालू ही ओम ने ये बैठा था वहीं पे, तो ये जो लोटा दिख रहा है ना पूजा वाला, उसका पानी ओम नीचे गिरा दिया था। तो इतना हंसना आया सबको, इतना, एक्चुअली गलती ना मेरी थी, मैंने उसे आंख दिखा दिया, तो बेचारा डर की वजह से हाथ हटाया, पूरा पानी नीचे गिर गया, सब जगह पानी पानी हो गया था। तो ये बताइए आपको भी हंसना आया या नहीं हमें देख के? तो चलिए थोड़ा सा वीडियो देखते देखते हंसी मुस्कुराहट होनी चाहिए। और चलिए आप चालू करते हैं पूजा। ओके, तो चलिए। हरि ओम वत्सानं पुंडरीकाक्षायं केशवाय नमो नरमाधवाय नमो नारायणाय नमः। आचमन कर। हरि ओम आचमनं पुंडरीकाक्षायं केशवाय नमो नरमाधवाय नमो नारायणाय नमः। दोले पैती तो शानी की पहले कौन है। अब गौर का स्नान करावा। हरि ओम गौरी स्नानम, पृथ्वी स्नानम, धूपम न स्नानम, कलश स्नानम, बोले ना रो स्नानम, पुंडरी का क्षम केशवाय नमो नमः नमो नारायणाय नमः। तू ना बाबा दीपक जला गया। उतार ले पंख के। अब यहाँ पे होने लगी पूजा, शंकर जी को भी हमने नहला दिया, गौरी गणेश सबको, और टिक्की करने लगे, चंदन टीका किया, उसके बाद अब हम लगाएंगे अक्षत। और जो होगा, और ये लोटा इतना परेशान कर रहा था, ये बार बार ढूंढ जा रहा था तो बार बार हंसना आ रहा था। और आपको पता है पापा पूजा करवा रहे थे तो वो और छोटी छोटी बातों पे हंसा रहे थे। आज के गुरुजी पंडित जी हमारे पापा जी थे, तो आगे उनका भी सब कुछ सुनने को मिलेगा आपको। और अब बस यहाँ पे हमने बेलपत्ती चढ़ाई, फूल चढ़ाया, समी चढ़ाए और 2-3 तरह के फूल मिल गए थे, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा पूजा करने में। और फिर उसके बाद दूब हो गया और ढेर सारे बेलपत्ती मिल गई थी, तो बहुत ही अच्छे से पूजा हो गई। और ओम आर्या खेल रहे थे, वहीं पे हम पूजा कर रहे थे और वो हमारे आगे पीछे खेल रहे थे। देखिए आप, बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। और व्रत होने पे बहुत ही अच्छे से विधिवत पूजा हो जाए तो कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि व्रती में पूजा करने का महत्व ही कुछ अलग होता है और इंटरेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो बस ऐसे मैं और मम्मी मिल के पूजा किया। वैसे भी हम सारे बड़े त्यौहार जितने भी आए उसमें साथ में ही पूजा किया। और इसमें क्या होता है, 7 तरीके के फल चढ़ाए जाते हैं और 7 पान के पत्ते, 7 हल्दियों की गाठी और सुपारी, ये सब होता है। तो हम अपना यही सब चढ़ा रहे हैं अपना अपना। यहाँ पे मम्मी कुछ बता रही थी मुझे, तो वही मैं सुन रही थी, क्योंकि अभी मुझे उतने अच्छे से पूजा नहीं आती जितने अच्छे से मम्मी को आती है। तब हमने यहाँ पे नारियल चढ़ाया और चढ़ाने में, भगवान जी को समर्पित करने में, देने में और ब्राह्मण को कुछ भी देने में किसी चीज़ का अंत नहीं है। मतलब उसमें जो दे दो, जितना कुछ दे दो उतना ही कम है, ऐसा होता है। तो अब मैंने यहाँ पे श्रृंगार चढ़ाया। अब मेरा हो गया, मैंने सब कुछ चढ़ा दिया, अब मम्मी कर रही हैं। और आपको पता है पूड़ियाँ भी चढ़ाई जाती हैं, छोटी छोटी से बना के, मतलब पुआ जिसे बोलते हैं, और वो भी 7 होते हैं। तो 7 मैंने चढ़ाया, 7 मम्मी ने। और जो हम चढ़ाते हैं ना, वो प्रसाद हमें खुद नहीं खाना होता। तो ये देखिए, और अब बस फल चढ़ाएंगे। फल भी 7 फल होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, 7 प्रकार के। तो ये सब हमने चढ़ा दिया। और यहाँ पे ओम आ रहा था कि मुझे गोदी में बैठाओ, मैं बोल रही थी अभी यहीं पे बैठो, फिर उसके बाद बैठाऊँगी। तो बस ऐसे चली हमारी पूजा। और सच में ओम आर्या बहुत ज़्यादा शांत है, सच में। मतलब यहाँ भी सब कोई बोलता है कि मतलब उन्हें ये नहीं चाहिए कि पूरा दिन गोदी चाहिए, मैं चाहिए, नहीं। वो नानी नाना के पास भी रह लेते हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा के पास वो खेलते रहते हैं, वो उन्हीं से खा भी लेते हैं, उन्हीं के पास सो भी जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील रहता है, मेरा बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है। और अब जो भी थोड़ा बहुत था पैसा वो हमने चढ़ाया। पीछे भैया का फ़ोन आ गया था, तो पापा पूजा करवाते करवाते पीछे चले गए थे फ़ोन रिसीव करने। तो ये देखिए हमारी पूजा, मतलब अभी जो भी चढ़ाने वाला था वो सारा हो गया। अब कथा होगी। तो ये सूत होता है जो हम हाथ पे बांधते हैं, उसमें 7 धागे लगे, मतलब 7 गांठ लगा के। तो हम उसे पहले भगवान जी में चढ़ा देंगे, उसके बाद फिर हम पहनते हैं। अब ये होने लगी कथा। संतान सप्तमी की कथा कहने से प्रस्तुत हुए लोग बंसी बोले, हे देव की राजा हंस ने बार बार उत्पन्न हुए, तेरे पुत्रों को मार डाला है, उन पुत्रों के दुख से तुम सदा दुखी रहती हो। जिस प्रकार नहुंस की स्त्री चंद्रमुखी पुत्र के लिए दुखी हुई थी और फिर व्रत करने से दीर्घायुक्त वाले पुत्रों के वचन को सुनकर उन दोनों ने करने की प्रतिज्ञा करके व्रत का डोरा हाथ में बांधाया और वह स्त्रियां अपनी सखियों और समेत अपने अपने गृह को गई। फिर बहुत काल के बाद चंद्रमुखी प्रमत्त होकर उस व्रत को भूल गई और हाथ में डोरा भी नहीं बांधा। हे देवकी, इसी सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता। वहाँ पास खड़ी हो जाओ। ओम जय करो, नीचे मुंडी करके जय करो भगवान जी की। हाँ चलो ओम आप भी जय करो भगवान जी की, नीचे मुंडी करके जय करो। प्रेम से बोलो जय भोले की। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई, संपन्न हुई और अभी भी दीपक जल रहा है। फिर हमने कुछ फ़ोटो वगैरह शूट की मैं और मम्मी ने मिलके। तो चलिए अब मिलते हैं शाम को। और अब हो गई यहाँ पे शाम, मतलब समथिंग बार टाइम हो गया था 5:30। तो हमने खाया, ये पूड़ी खाया जाता है जो गुड़ से बनी होती है ना, गुड़ में आटा डाल के। तो ये बहुत ही मीठी मीठी सी बनी होती है, इसे सिर्फ साथ ही खाना जाता है, ना साथ से कम ना साथ से ज़्यादा। और ये जो पूड़ियाँ चढ़ाई हुई थी तो ये हम अपना चढ़ाया हुआ नहीं खा सकते, तो ये जो मम्मी ने चढ़ाया था उसका प्रसाद था। तो यहाँ पे बस मैंने ड्रेस चेंज करके बैठ गई खाने, और दूध में हम उसे पूड़ियों को डाल के खाते हैं, क्योंकि खाया मीठा कहाँ खाया होता है फास्ट के वो भी दिन। और कुछ फ्रूट थे। सो एवरीवन चेंज कर ली मैं कपड़े, और हो गया हमारा फलहार जो भी हमने खाया, आपने वैसे भी देखा। तो हमने पूड़ी, दूध और कुछ फ्रूट्स खाए, तो मैंने वो भी बचा दिया था, सब वो भी नहीं खाया हुआ। तो हो गया हमारा पूरा व्रत, बहुत अच्छे से गया, बहुत अच्छे से। और आज मुझे व्रत बिल्कुल भी नहीं लगा, थोड़ी बहुत वीकनेस लगी क्योंकि हम इतना लेट खाते हैं, फिर इतना लेट पानी पिए तो थोड़ा सा लगा, बाकी वैसे बिल्कुल भी नहीं लगा। मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा लो लो फील हो रहा कि जैसे मतलब होना चाहिए, तो वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। वरना तीज के दिन ना इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा। बट इसमें मुझे इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं लगा। और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी साड़ी आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई हो और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके सब कुछ बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ, कोई भी अपडेट करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। और अगर आप लोग सब्सक्राइब करके देख रहे हैं तब तो फिर मेरी बल्ले बल्ले है, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही खूबसूरत से ब्लॉग के साथ, बने रहिए मेरे चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी आराधना को इजाज़त दीजिए। ओके गुड नाइट।